वेलकम टू प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे आगामी आने वाले सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए, और अब जो हाल ही में पीटी टीचर का सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है उसके लिए प्रथम प्रश्न पत्र, क्योंकि सेकंड ग्रेड और पीटी का जो प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र है लगभग टॉपिक जो है सेम है। तो आज हम उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा होगा विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो विश्व के भूगोल में हमारा पहला टॉपिक होगा महाद्वीप, ठीक है। महाद्वीप की टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि आपके आरबीएससी व राजस्थान कर्मचारी चयन जो बोर्ड द्वारा पूछे गए पीछे परीक्षाओं का प्रश्न और एनसीईआरटी आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने बुक से निकाले हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। और जो विद्यार्थी पीटी सेकेंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सेकेंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी के लग चुके हैं, तो उनके लिए स्पेशल ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, इसमें आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा दी गई है। विश्व का भूगोल टेस्ट सीरीज सारी उपलब्ध हो गई है। अब भारत का भूगोल जो है लगभग 5-6 टॉपिक उपलब्ध हो गए हैं। जैसे जैसे आप तैयारी कर रहे हो वैसे वैसे इसमें टॉपिक डाल दिए जाएंगे। और प्राइस इसका ₹50 है। तो आप प्रताप क्लासेस के ऐप को जरूर डाउनलोड करें, और अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, यहाँ से कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन करें, जो पीटीए के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें गत परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्न और एनसीईआरटी आधारित प्रश्न है, क्योंकि सीधे के सीधे टपने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित महाद्वीपों का उनके क्षेत्र के अनुसार सही आरोही क्रम बताना है। तो अब आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा, ठीक है, और क्षेत्रफल के अनुसार हमें इन्हें क्रम बताना है। हमें और टॉपिक में दिए गए हैं यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, ये हमें महाद्वीप दिए गए, इनका क्रम बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4। देखिए यूरोप की बात करें तो ये 6.5% है, ठीक है। अंटार्कटिका की बात करें इसके बाद तो ये है लगभग, इसका क्षेत्रफल है 9.6, ठीक है, 9.6 है। और दक्षिण अमेरिका की बात करें और उसके बाद उत्तरी अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका का है लगभग 11% और इसका है 16%। तो ये क्रम से बताना है, जैसे एक उसके बाद दो उसके बाद तीन, छोटे से बड़ा क्रम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। वहीं बात करें महाद्वीप की, तो वेगनर के अनुसार लगभग जो है पृथ्वी पर 28.3% क्या है, स्थलीय क्षेत्र है। और बात करें 71.7% पर क्या है, जल है। ये किसने कहा है, वेगनर ने कहा है। और विश्व में कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, ये आप याद है आपको। और आज इन्हीं महाद्वीपों के बारे में जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके क्षेत्र के अनुसार सही अवरोही क्रम। अब क्या आ गया, अवरोही क्रम, क्योंकि आजकल एक या दो क्वेश्चन पक्का इनसे रिलेटेड दिया जाता है, अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा। देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा 3। देखिए उत्तरी अमेरिका आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका। तो ये आपको याद रखना है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये लगभग 16.3% क्षेत्रफल फैला हुआ है, लगभग 16.3 क्षेत्र पर। अफ्रीका की बात करें तो ये है 20 पर, ठीक है, हमें बताना क्या है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन की, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा है। देखिए ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ये क्षेत्रफल में बात करें तो 5.2% पर है, ठीक है, और अंटार्कटिका की बात करें तो 9.6% है। तो इससे छोटा कौन सा हो जाएगा, एक तो ऑस्ट्रेलिया से और अंटार्कटिका से छोटा, तो कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। यूरोप का क्षेत्रफल कितना है, ये आपको याद, अगर आपको क्षेत्रफल याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 6.5 है, ठीक है। इसने पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया से तो बड़ा है, सही है, और अंटार्कटिका से क्या है, छोटा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आंकड़े अगर आपको याद हो गए तो सब क्वेश्चन आपको आसानी से कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप इसमें कौन सा आ जाएगा, सबसे छोटा महाद्वीप आ जाएगा कितना, ऑस्ट्रेलिया। कितना इसका क्षेत्रफल, 5.2%, कितना, 5.2% है। उसके बाद यूरोप का आ जाएगा 6.5, ठीक है, उसके बाद एशिया का कितना है तो 30.6 है, याद कर लेना, ठीक है, सबसे बड़ा है। और अफ्रीका की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है,
20 पॉइंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 20.0% है, ठीक है, अफ्रीका का ये आंकड़ा याद करना आपको, तो सबसे छोटा ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए एशिया महाद्वीप संसार के भूभाग का कितना प्रतिशत भाग है, एशिया जो महाद्वीप है वो संसार के भूभाग का कितना प्रतिशत है, ये देखो क्वेश्चन आ गया, तो ये कितना प्रतिशत है, 30.6% है, अभी मैंने आपको बताया था 30.6% ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आंकड़े। आगे बात करेंगे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, कौन कौन से, एक तो एशिया, ठीक है, सबसे बड़ा है, उसके बाद बात करेंगे अफ्रीका की क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, उसके बाद कौन सा है, अफ्रीका के बाद है उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दोनों आ जाएंगे, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, देखिए विश्व का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ये आसान से क्वेश्चन है लेकिन हमें चर्चा करनी है क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बात करेंगे, देखिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, पहला मैंने बता दिया एशिया है 30.6, अगर आपको आंकड़ा याद है तो इनको आसानी से याद कर सकते हो आप, वैसे नहीं याद होंगे आपको, और दो नंबर पर कौन सा हो जाएगा, किस किस में पूछा है विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है, ये आप कह रहे हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है, 20 पॉइंट कुछ है, ठीक है, ये आंकड़ा याद है तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं हो सकते। देखिए उत्तरी अमेरिका की बात करें तो इसका है 16.3, और उसके बाद अंटार्कटिका है, इसका है 9.6, ठीक है, ये आंकड़ा याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। आगे बात करते हैं, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन की, निम्न लिखित कथनों पर विचार करना है, देखिए ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल अंटार्कटिका से अधिक है, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल कितना है, अगर आपको आंकड़ा याद है तो किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसका इसका क्षेत्रफल है 5.2%, कितना है, 5.2, ठीक है, और अंटार्कटिका की बात करेंगे तो इसका कितना है, 9.6, तो ये कथन सही है, से अधिक है, सही है। यूरोप का क्षेत्र दक्षिण अमेरिका से कम है, तो ये तो सीधा ही है कम है। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है, उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका का 16.3 है, यूरोप का 6.5 है, और ऑस्ट्रेलिया का कितना है, ऑस्ट्रेलिया का है 5.2, ये भी कथन सही है, तो इसमें हम देखते हैं कौन सा इसमें कथन सही हो जाएगा, यानी तीनों सही है तो देखते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है, 4 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए, तो इसमें देखिए पीछे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए ये गलत है, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल अंटार्कटिका क्षेत्रफल से अधिक नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, एक इसका आंसर क्या होगा, ये सही है, 2 और 3 सही है, ये सही नहीं है क्योंकि अंटार्कटिका ज्यादा है इसका, ठीक है, तो आगे चर्चा करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए 10 नंबर की, पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है, सही अनुक्रम हमें बताना है, तो सही क्रम की बात करें तो अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद यूरोप, ये क्रम हो जाएगा, आंकड़ा अगर आपको याद है तो इनको क्वेश्चनों को आसानी से याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्यम ऊंचाई वाला है, मध्य ऊंचाई वाला है, सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा है, तो सबसे ऊंचाई की बात करें दक्षिणी ध्रुव, यानी कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका, सबसे ऊंचाई पर है दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका, ये आपको याद रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं देखिए पटवारी के एग्जामों में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किस नाविक ने की थी, सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी कोलंबस ने, किसने, कोलंबस ने की थी, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, देखिए महाद्वीपों का महाद्वीप के नाम से जो प्रसिद्ध है, महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है, तो एशिया को कहा जाता है सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इसे कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए पुरातत्वज्ञों द्वारा पारंपरिक रूप से मानना है कि मानवता का जन्म स्थान में है, किस महाद्वीप में मानवता का जन्म स्थान है, ये हो जाएगा अफ्रीका, कौन सा, अफ्रीका हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है, मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है, ये भी कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका, ठीक है।
आगे बात करेंगे। देखिए सुमेलित करना है हमें, महाद्वीप दिए हैं और इनमें जाने 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 जाते हैं किस नाम से। देखिए ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, उसके बाद अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है, अफ्रीका को क्या कहा जाता है, ठीक है, और एशिया को क्या कहा जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है अंधेरा महाद्वीप, तो कहा जाता है अफ्रीका को, ठीक है, किसको कहा जाता है, अफ्रीका को। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है अद्भुत वनस्पति व पशुओं का अजायब घर, ठीक है, और विश्व की प्रयोगशाला ये हो जाएगा अंटार्कटिका, और एशिया को सभ्यता का पालना, ठीक है। तो इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑस्ट्रेलिया का वनस्पति में पशुओं का अजायब घर, और बात करें तो अंटार्कटिका विश्व का प्रयोगशाला 4, उसके बाद बात करेंगे देखिए अफ्रीका हो जाएगा अंधेरा महाद्वीप 1, एशिया हो जाएगा सभ्यता के पालना, यानी 34 बार इसका आंसर। देखिए सही होता है कि नहीं, तो ये रहा हमारा 34 बारह, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे बात करते हैं, देखिए सुमेलित करना है फिर हमें, स्थलाकृति दी गई है और महाद्वीप दिए गए। देखिए एकांका गुहा ये चोटियां हैं, मिसोटा, सेरेनगेटी मैदान और गिब्सन डेजर्ट, ये हमें मिलाना है कि कौन कौन से किस महाद्वीप में है, और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एकांका गुहा किस में है, दक्षिण अमेरिका में है, चिल्ली के पास में, आपने देखा होगा इस प्रकार दक्षिण अमेरिका है, तो इसके जस्ट ये एकांका गुहा यहाँ पे है, एंडीज पर्वतमाला के ऊपर ये, ठीक है, ये चिल्ली के पास में। आगे देखिए मेसोटा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, मेसोटा, देखिए मेसोटा का ये हो जाएगा यूरोप के अंदर है मेसोटा, और बात करें तो सेरेनगेटी मैदान ये अफ्रीका के अंदर, गिब्सन डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया के। तो इसका आंसर देखिए 4 और 3 और 2 1, यानी 43 21। देखिए हम देखते हैं इसका आंसर सही है क्या, देखिए 43 21 कहाँ पे, ये रहा 4 नंबर। आगे बात करते हैं, देखिए कोमोरोस व मॉरिशस किस महाद्वीप के भाग है, ये सीधे के सीधे पूछे गए हैं, कोमोरस व मॉरिशस किस महाद्वीप के भाग है, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप के भाग है, किसके, अफ्रीका महाद्वीप के भाग है। आगे बात करेंगे, देखिए निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है, क्या पूछा है, क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें पहले आएगा कनाडा, उसके बाद आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद आएगा हमारा चीन, उसके बाद ब्राजील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन, और 24 31 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनके क्षेत्रफल के आधार पर हमें अवरोही क्रम में बताना है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कनाडा है, उसके बाद आ जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद चीन है, और उसके बाद ब्राजील है, ठीक है। आगे देखिए इसका आंसर हो जाएगा 24 31। आगे बात करते हैं, देखिए एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप की बात आ रही है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप, कौन सा, बोर्नियो द्वीप एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, ये आपको याद रखना। आगे बात करते हैं, तो पीछे हमारा एक क्वेश्चन था, देखिए इसने पूछा था कि क्षेत्रफल के आधार पर बताना था, देखिए क्षेत्रफल में विश्व में मैं आपको बड़े देश बता देता हूं, एक नंबर पर है हमारा रूस, कौन सा हो जाएगा, रूस है एक नंबर पर, ठीक है, उसके बाद 2 नंबर पर बात करेंगे तो कनाडा है, ठीक है, ये क्षेत्रफल के आधार पर है, याद कर लेना, उसके बाद बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, और इसके बाद 4 नंबर पर बात करेंगे तो चीन है, और 5 नंबर पर कौन सा आ जाएगा, ब्राजील। तो लगभग 5 पूछे जाते हैं, पांचवा बड़ा देश कौन से, 5 क्रम से बताइए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन था, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा बोर्नियो, इसकी बात हमने कर ली थी, तो बोर्नियो की बात करें ये विश्व का, ठीक है, विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, अगर आपसे पूछ ले एशिया महाद्वीप का तो बोर्नियो हो जाएगा, अगर आपसे पूछ ले इसी को विश्व का तीसरा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा बोर्नियो, ठीक है। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित एक द्वीप, राजनीतिक रूप से 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई को विभाजित करता है, में विभाजित है, ठीक है, जो बोर्निया है महाद्वीप है, ये है एक इंडोनेशिया यानी उसके लगभग 73% भाग पर, और मलेशिया 26% भाग का, ब्रुनेई 1% में ये विभाजित है, ये आपको याद। आगे बात करेंगे, देखिए सुमेलित कीजिए नियाग्रा प्रपात, हजारों झीलों की भूमि, एफिल टावर, विश्व की छत। देखिए नियाग्रा प्रपात की बात करें, पहले हम बात करें विश्व की छत किसे कहते हैं,
पामीर पठार को, ठीक है, और एफिल टावर कहाँ पे है, तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है, न्यूयॉर्क राज्य के अंदर है, न्यूयॉर्क के अंदर है, और हजारों जिलों की भूमि कहते हैं फिनलैंड को, और राजस्थान में जिलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को, और एफिल टाइल कहाँ पे आ जाएगा हमारा, पेरिस फ्रांस के अंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4-3-2-1, ये याद करने हैं आपको, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 41-21, यानी इसका दो आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए सुमेलित कीजिए, फिर आ गया अंध महाद्वीप, विश्व की छत, हजारों जिलों का देश, मोतियों का द्वीप, इसमें अलग आ गया, ठीक है। इसमें देखिए हजारों, विश्व की छत किसे कहते हैं, पामीर के पठार को, और अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा पहले 3, उसके बाद 4 जिलों की नगरी फिनलैंड को, 3 मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं, डी, ये हो जाएगा हमारा 4-2-3-4, और उसके बाद 1-2, यानी 34-12 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 34-12, ठीक है, दो नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए कालीमंतन किस द्वीप का अंग है, कालीमंतन किस द्वीप का अंग है, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो ये है बोर्नियो का, और बोर्नियो कहाँ का था, सबसे बड़ा द्वीप एशिया का था, और विश्व में तीसरा सबसे बड़ा द्वीप था, तो बोर्नियो याद करना है, एशिया महाद्वीप में है, और कालीमंतन इसका द्वीप है, ये बोर्नियो का छोटा द्वीप है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंडोनेशिया का है ये, ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर है ये, इंडोनेशिया के अंदर है ये कालीमंतन। आगे बात करेंगे, देखिए निम्न में से कौन सा देश समुद्र तल से नीचे बसा हुआ है, समुद्र तल से नीचे बसा हुआ है, तो नीदरलैंड बसा हुआ है, ठीक है, और नीदरलैंड की बात करें तो यूरोप का महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप का एक अंग है, आपको पता ही है, और ये समुद्र तल से नीचे बसा हुआ है, ये उत्तरी पूर्वी यूरोप के अंदर है स्थित नीदरलैंड। आगे बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन है, जाफना प्रायद्वीप, ये सभी के सभी पूछे गए हैं, श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है, ये जब एग्जाम थे उस टाइम चर्चा में थे, इसलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब सेकंड ग्रेड के और पीटी एग्जाम की जो तैयारी करे हैं, तैयारी करे हैं, डेली करंट से जुड़े, इंडिया करंट और वर्ल्ड करंट, करंट अफेयर से जुड़े हैं, क्योंकि इस तरह की जो है करंट के अंदर घटना होती रहती है, और वो एग्जाम में सीधी की सीधी वहां से रिलेटेड विश्व में पूछा जाता है, लेकिन विश्व का इस प्रकार जीके नहीं आएगा, तो आप डेली इंडिया करंट अफेयर्स देखें, प्रताप क्लासेस पर आपको डेली इन तरह की जानकारी आपको मिलती रहती है, ठीक है। तो जो जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले दर्रा कौन सा है, तो ये है एलिफेंटा दर्रा, ये पूछा जाता है एलिफेंटा दर्रा, इसे हाथी पास भी कहते हैं, उत्तरी प्रांत भी कहते हैं, और ठीक है, ये श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप के प्रवेश द्वार में स्थित है, ये आपको याद रखना है, एक तो एलिफेंटा दर्रा और सेना के सामरिक रूप में महत्वपूर्ण होने के कारण इसे सांकेतिक रूप अहम दिया गया है, और ये सबसे बड़ा क्षेत्र होता है यहाँ का, ठीक है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन बात करेंगे, निम्न में से किसको पूर्व में श्रीलंका का द्वीप जाना जाता है, पूर्व में श्रीलंका का द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो वो है कौन सा हो जाएगा, सिलोन, कौन सा हो जाएगा, सिलोन, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए 27 नंबर, बोसिनिया पहले जिस राज्य का एक भाग था वह राज्य है बोसिनिया, ये था युगोस्लाविया का, किसो किसका, युगोस्लाविया का ये एक भाग था बोसिनिया। आगे बात करेंगे, देखिए दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से देशों में कौन सा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित देशों में से कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बड़ा है दक्षिण अमेरिका से, तो कौन सा हो जाएगा, बोलीविया, ये बोलीविया दक्षिण अमेरिका से भी बड़ा है क्षेत्रफल में, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकन वैली अवस्थित है, सिलिकन वैली अवस्थित है, तो ये है कैलिफोर्निया के अंदर, किसके अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, सिरोही, सिरोही पॉइंट कौन से महाद्वीप में स्थित है, सिरोही पॉइंट किस महाद्वीप में स्थित है, ये है अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर। बात करें, देखिए सन 1960 में अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर गिरी सिंह राज, इनका नाम गिरी सिंह सिरोही थे, इसलिए इसका जो पॉइंट है वो सिरोही पॉइंट के नाम पर रखा गया था, सबसे पहले भारतीय व्यक्ति डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही थे, ठीक है, इनके नाम पर ये जो है सिरोही पॉइंट, इसे क्या कहा जाता है, रोक पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ पे है, अंटार्कटिका के। आगे बात करते हैं, किस देश को यूरोप का सिक मैन कहा जाता है,
यूरोप का सिक मैन कहा जाता है तुर्की को, किसको? तुर्की को यूरोप का सिक मैन कहा जाता है। आगे बात करते हैं भारत का स्थायी रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। भारत का स्थायी रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री है अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भारत द्वारा स्थापित तीसरा अनुसंधान केंद्र है दक्षिणी गंगोत्री। इससे पूर्व दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो तीसरा है, देखिए पहला तो था दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री, ये दो थे जहां पे अनुसंधान किए गए थे। अब जो था अपने 18 मार्च 2012 से, 18 मार्च 2012 को ये एक लगाया गया था, उसका नाम रखा गया था भारती। क्या रखा गया था? भारती नाम रखा गया था। ये था भारती तीसरा, ठीक है, ये आपके याद रखना है। तीसरा जो अनुसंधान था भारती, जो 2012 में लगाया गया था, और ये जो दक्षिणी गंगोत्री है और मैत्री है, ये लगाए गए थे 1983-84 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन की, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का क्या कहलाता है? पेरिस कहलाता है। तो ये है ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, ये है कहाँ पे? अर्जेंटीना के अंदर है, ये आपको याद रखना है, जिसे क्या कहा जाता है, अमेरिका का पेरिस कहलाता है। अपनी चौड़ी सड़कों के कारण ब्यूनस को क्या कहा जाता है? अमेरिका का पेरिस कहा जाता है, और ये है कहाँ पे? अर्जेंटीना के अंदर। आगे बात करेंगे, देखिए प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन सी है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन सी है? इसमें हो जाएंगे, देखिए महाद्वीप और महासागर, ये है प्रथम श्रेणी के उच्चावच, ये आपको याद रखना है। और महाद्वीपों से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक तो आपको याद रखना है महाद्वीपीय विस्थापन, एक है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ये दो महाद्वीपों से संबंधित है। और उच्चावच इनको ही माना गया था विज्ञान के द्वारा, महाद्वीप और महासागर को। आगे बात करेंगे, देखिए अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, किस प्रकार स्थित है? जैसे उत्तरी अमेरिका में तो है अपलेशियन पर्वत, लेकिन ये किस साइड में है उत्तरी अमेरिका की? ये है उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर और पूर्वी क्षेत्र के अंदर है, क्योंकि ये एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में एक महाद्वीप है जो लगभग पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध के भीतर है। आगे बात करेंगे, देखिए सोनारन मरुस्थल स्थित है, सोनारन मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको याद रखना है, ये है मेक्सिको के अंदर। मेक्सिको कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है, और सोनारन मरुस्थल ये कहाँ पे है? मेक्सिको के अंदर है, ये आपको याद रखना है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की और बात करें, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर मरुस्थल है कौन कौन से, उनकी चर्चा कर लेते हैं। एक है एरिजोना, ये पूछा जाता है एरिजोना, एरिजोना मरुस्थल की बात करें, ये है यूएसए के अंदर, ठीक है। और एक है एक सोनारन, ये मेक्सिको के अंदर है, ये आपको याद रखना है, दो मरुस्थल है। आगे बात करेंगे, देखिए सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है इनमें से? सबसे ऊंचा पर्वत एंडीज पर्वतमाला, के गोडविन ऑस्टिन, आल्पस और माउंट एवरेस्ट, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें सबसे ऊंचा हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। एंडीज पर्वतमाला की लगभग उसकी लंबाई है 7500 मीटर, और ये तो छोटा है। उसके बाद आल्पस यूरोप में है, और माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये, है पूर्वी नेपाल व तिब्बत की सीमा पर स्थित है माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंपास घास के मैदान कहाँ पाया स्थित है? ये पक्का एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, पंपास घास के मैदान है अर्जेंटीना के अंदर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये अर्जेंटीना कहाँ पे है, किस महाद्वीप में आ जाता है? ये आ जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर, और सीधा पूछ लिया जाए पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं, और ये अर्जेंटीना के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये किस प्रकार के घास हैं? शीतोष्ण घास है, कौन से? शीतोष्ण प्रकार के, शीतोष्ण, ये आपका अर्थ है शीतोष्ण प्रकार के घास है। आगे बात करेंगे, देखिए 39 नंबर, प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, पहले मैं बता चुका हूं, तो ये कहाँ पे है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, नियाग्रा जलप्रपात। तो देखिए जो प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात है, ये है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है, और इसी प्रपात पर जो नदी कौन सी है, ये किस नदी पर है? ये है लोरेंस नदी पर, किस पर? सेंट लोरेंस नदी के ऊपर स्थित है, ये आपको याद रखना। आगे बात करेंगे, देखिए मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका, कौन सा हो जाएगा? अमेरिका। आगे बात करते हैं, देखिए
पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप है कहा जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए गतिशील महाद्वीप की संज्ञा किसे दी गई है? गतिशील महाद्वीप की संज्ञा किसे दी गई है? एशिया महाद्वीप को गतिशील की जो है संज्ञा दी गई है। ठीक है, विश्व में यही अकेला ऐसा महाद्वीप है जहां कोई व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं रहता। ये एशिया नहीं, गतिशील महाद्वीप कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, सॉरी अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? गतिशील महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं रहता यहाँ पे। और इस अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप की संज्ञा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, देखिए फ्यूजुयामा किस देश का ज्वालामुखी है? फ्यूजुयामा किस देश का ज्वालामुखी है? ये आता है जापान के अंदर, और आपको नाम से ही पता चल रहा होगा फ्यूजुयामा, ये है जापान के नाम है इस प्रकार की, तो जापान का ये है ज्वालामुखी। आगे बात करेंगे, देखिए निम्न में से प्राचीन वलित पर्वत है, इनमें से प्राचीन वलित जो है वलित पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल और अरावली। कौन सी? विंध्याचल और अरावली प्राचीन पर्वतमाला है। आगे बात करेंगे, देखिए यूरोप का एक पर्वत श्रृंखला कौन सा? इनमें से यूरोप का कौन सा हो जाएगा? आल्पस पर्वत किसका है? यूरोप का है। और हिमालय एशिया के अंदर आ जाता है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अफ्रीका के अंदर, और रॉकी ये कहाँ आ जाता है? तो ये रॉकी पर्वत ये है उत्तरी अमेरिका के अंदर। ठीक है, रॉकी रॉकी पर्वत के ऊपर ही जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मिनकीले, ये आपको याद रखना है। और ये जो रॉकी पर्वत है ये नवीन पर्वतमाला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए और अगर आपसे पूछ ले विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला लंबाई में लगभग 7500 किलोमीटर है ये, तो ये अंडीज हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर कुछ चोटियां हैं जैसे दक्षिण अमेरिका में है ये, दक्षिण अमेरिका के अंदर इसके अंदर चोटियां हैं जैसे अकांकागुआ है ये, ठीक है, और चिम्बरेजो है, कोटोपेक्सी है, ये सारे इसके ऊपर है। हिमालय के बाद ये दूसरी सबसे लंबी अंडीज पर्वतमाला है, ये याद रखना आपको। आगे बात करें, देखिए यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें सबसे लंबी नदी आ जाएगी वोल्गा नदी, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी आ जाएगी, ये आपको याद रखना है। ये मास्को के उत्तर में से निकलकर कैस्पियन सागर में जाती है, तो ये आपको रखना है। कहां पे गिरती है ये? कैस्पियन सागर में, ये आपको याद रखना है, कैस्पियन सागर के अंदर गिरती है। और ठीक है, ये वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे जो है लंबी नदी है। आगे बात करेंगे, देखिए विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? इसमें सबसे बड़ी झील आ जाएगी मीठे पानी की, वो है लेक सुपीरियर झील, ये कहां पे है? अमेरिका के अंदर है, लेक सुपीरियर झील अमेरिका के अंदर। आगे बात करेंगे, देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है, ये आपको बताना। तो ये किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? ये है अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। एक तो ये निकलती कहां से? विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से ये निकलती है और सबसे लंबी नदी है। और ये निकलकर जैसे युगांडा, उसके बाद सूडान और मिस्र में प्रवाहित होती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। गिरती कहां पे है? भूमध्य सागर में, ये आपको याद रखना है, क्योंकि बड़ी नदी है तो इसे रिलेटेड किस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो विक्टोरिया झील से निकलती है और ये युगांडा सूडान से मिस्र से निकलती हुई ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। इसकी लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। इतनी 6650 किलोमीटर है, ये आपको याद। एक पूछा जाता है कि जो मिस्र की राजधानी है काहिरा, वो किस नदी पर है? नील नदी के ऊपर है, ये आपको याद रखना। और इसी नील नदी पर मिस्र के अंदर असवान बांध बना हुआ है। तो पूछा जाता है कि असवान बांध कहाँ पे पर है बना हुआ, तो ये नील नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, मिस्र के अंदर, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन की 49 नंबर हमारा, विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार वाला देश कौन सा है? विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार वाला जो है देश कौन सा है? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार करता है, ये आंकड़ा आपको याद रखना है। यूरेनियम आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया आपको करना है, ठीक है। और सोने की यहाँ पे खान है दो, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फेम्स है सोने की खान है। एक तो है कालमूल, कौन सी? कालमूल। एक है कुलगांडी, कालमूल और कुलगांडी यहाँ पे दो सोने की खाने हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। 50 नंबर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ये आ गया हमारा उत्तरी अमेरिका, उसके जस्ट ही हमारा कौन सा है?
दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कौन सी नहर जो है उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, इसमें कौन सी आ जाएगी, तो पनामा नहर। कौन सी नहर आ जाएगी इसमें, पनामा नहर, इन दोनों को अलग करती है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कहते हैं एशिया महाद्वीप को, किसको, एशिया महाद्वीप को कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे को दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, यानी मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं, वो है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। कौन है, दक्षिण अमेरिका, देखिए यहाँ पे आपको पता है नीचे यहाँ पे बना हुआ है हमारा दक्षिण अमेरिका और यहाँ पे जस्ट ही अफ्रीका बना हुआ है, ये क्या करते हैं मिरर प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सभी तीनों गोलार्धों में, तीनों गोलार्धों में कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप, आपको पता ही है। आगे बात करेंगे, देखिए 54 नंबर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर करक, विषुवत और मकर रेखाएं तीनों गुजरती है, वो किससे गुजरती है, आपको पता ही है अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है। आगे बात करेंगे, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सबसे दरार घाटी है, वो भी अफ्रीका के पूर्वी साइड है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये अफ्रीका है तो इस साइड इस प्रकार ये दरार जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ऐसे लगता है कि ये भाग अफ्रीका का अलग होगा। ठीक है, आप देखना मैप में अगर आप सर्च लगाओगे तो वहां पे ये बहुत बड़ी दरार दिखा रही है। ठीक है, आगे बात करेंगे 56 नंबर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो अमेरिका महाद्वीप की सबसे चोटी की बात करें तो माउंट मकीले है, जो कहाँ पे है माउंट मकीले, कौन से पर्वत पर है, ये रॉकी पर्वत के ऊपर है, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है, माउंट मकीले सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आगे बात करेंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोट कौन सी है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की आ गई, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की माउंट एकांकागुआ, जो कौन सी पर्वत श्रेणी है, एंडीज पर्वतमाला के ऊपर है, एंडीज पर्वतमाला के ऊपर है ये माउंट एकांकागुआ। आगे बात करेंगे, देखिए तो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो माउंट किलिमंजारो, ये कहाँ पे है, तंजानिया के अंदर है, अफ्रीका के तंजानिया देश के अंदर है ये माउंट किलिमंजारो, ये आपको याद रखना है, 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये आपको याद रखना है माउंट किलिमंजारो, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ पे है, तंजानिया के अंदर। अगर आपसे पूछ ले एटलस पर्वत, ये भी कहाँ पे है, एटलस पर्वत, एक है इनमें कंफ्यूज होता है, एटलस पर्वत तो है अफ्रीका महाद्वीप में, अगर आपसे पूछ ले आल्पस, आल्पस आ जाए तो यूरोप का नाम होगा। ठीक है, आल्पस की बात करें तो यूरोप महाद्वीप और एटलस पर्वत की बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा, क्योंकि ये इस प्रकार में कंफ्यूजन होते हैं इस क्वेश्चन में। आगे देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा, अब अंटार्कटिका सभी आगे पीछे, तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप की पूछ ले तो माउंट विंसन मेसिप, ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बात करेंगे, देखिए एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा, तो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा हो जाएगा। आगे बात करेंगे, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो यूरोप महाद्वीप का इसमें कौन सा सबसे जो है ऊंचा, तो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा, माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस जो कि सबसे यूरोप का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जॉर्जिया के अंदर है, कहाँ पे, जॉर्जिया के अंदर है, और काकेस जो है, काकेस पर्वत श्रेणी के अंदर है ये। आगे बात करेंगे, देखिए 62 नंबर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा, माउंट कोस्कियो, माउंट कोस्कियुस्को। ठीक है, आगे बात करेंगे, देखिए इनमें से असम्मिलित कौन सा है, प्रमुख देश और सबसे बड़ी झीलें, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की और उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील के बारे में बताना है। देखिए एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की आयर झील और अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, तो ये तीनों इसमें सही है। ठीक है, तीनों इसे सही है। आगे चर्चा करते हैं, देखिए इनमें से असम्मिलित है,
महाद्वीप जो है सबसे लंबी नदी दी हुई है। देखिए यूरोप महाद्वीप की वोल्गा नदी है सबसे लंबी, अफ्रीका महाद्वीप की नील नदी है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मर्रे और डार्लिंग, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। तो आपको पता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। कौन सी? अमेजन, ठीक है। और मिसिसिपी, मिसौरी, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। आप सारे आ गए तो सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। आप आगे बात करते हैं, देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हमें सम्मिलित करना है। देखिए सूची फर्स्ट है देश और सूची सेकंड है इसमें सबसे बड़ा नगर। देखिए इसमें बात करें तो पहले आ जाएगा, देखिए कनाडा सबसे बड़ा नगर, कनाडा का सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा टोरंटो। कौन सा हो जाएगा? टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा जो है नगर हो जाएगा। उसके बाद ग्रीस, ये हो जाएगा ग्रीस, ग्रीस का सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा? एथेंस, ठीक है। और बात करें तो नाइजीरिया का लागोस और सीरिया का डमस्कस। देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अपने 3, 4, 1, 2, सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वतमाला की बात करें तो ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर सबसे लंबी इसकी जो है पर्वतमाला है, हिमालय के बाद दूसरी लंबी पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की एंडीज पर्वतमाला है। दक्षिणी आल्पस पर्वतमाला इन स्थित है इनमें से, तो दक्षिणी आल्पस पर्वत कहाँ पे स्थित है? ये है न्यूजीलैंड के अंदर, आल्पस पर्वत न्यूजीलैंड के अंदर यूरोप में। आगे बात करेंगे, देखिए किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? एटलस पर्वत मैंने अभी बताया था आपको, यह है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। आगे बात करेंगे, देखिए तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, यह पूछा गया है सीधा का सीधा तकला मकान, ठीक है। तो ये तकला मकान सारे याद कर लेना, कहीं नाइजीरिया के अंदर है ये, नाइजीरिया के अंदर। कहीं रिपीट हो जाए बार क्वेश्चन, निम्न में से कौन महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर से निर्मित हुए हैं? महाद्वीपीय प्लेट की जब टक्कर हुई उससे निर्मित हुए हैं, तो कौन कौन से हुए हैं? तो देखिए महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर से निर्मित हुए हैं, तो इसका जवाब सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दें कि कौन कौन विद्यार्थी लाइव जुड़ा है और कौन कौन विद्यार्थियों को महाद्वीपीय प्लेटों से निर्मित जो भी क्वेश्चन याद है तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि आपको पता चल सके कि हमारी कितनी की तैयारी है। आगे बात करते हैं, देखिए 71 नंबर क्वेश्चन की, निग्रो बुशमैन बांटू जनजातियां किस महाद्वीप में निवास करती है? निग्रो बुशमैन और बांटू जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? तो ये करती है अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। आगे बात करें, देखिए इनमें से कौन सा एक असंगत है? एटलस पर्वत, रेकेस बरक पर्वत, कैमरून पर्वत और ब्लू रिंज पर्वत। तो इनमें से जो है ब्लू रिंज पर्वत ये जो है अलग है, और ये तीनों एक ही एटलस पर्वत, और ये किसके हैं? अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत है सारे। आगे बात करेंगे, देखिए अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप व विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर है। आगे बात करेंगे, देखिए लानोस, कंपोस, ग्रांड चाको, पंपास, सेलवास, कटिंगा प्रमुख घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, इसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के घास के मैदान है। आगे बात करेंगे, देखिए पीरेनीज पर्वत, अल्पस पर्वत, वशेस पर्वत, सेंट्रल मेसिप और एपिनाइज पर्वत, बालकन पर्वत, इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है ये? तो ये है यूरोप महाद्वीप के सारे पर्वत, याद कर लेना इनको। आगे बात करेंगे, देखिए सुलेमान पर्वत श्रेणी स्थित है, सुलेमान पर्वत श्रेणी है ये है पाकिस्तान में सिंधु नदी के पश्चिमी भाग में सुलेमान पर्वत श्रेणी है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। संसार की सबसे लंबी नदी नील किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। आगे बात करेंगे, देखिए विषुवत रेखा अफ्रीका के कितने देशों से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा अफ्रीका के कितने देशों से होकर गुजरती है? ये गुजरती है 7 देशों से, ये आपको याद रखना। आगे बात करेंगे, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से ये है काहिरा देश, ठीक है, काहिरा देश मिस्र के अंदर है ये। आगे बात करेंगे, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी इनमें से कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है हडसन की खाड़ी। आगे बात करेंगे, देखिए विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटो कोटोपैक्सी। आगे बात करेंगे, देखिए
विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा एंजिल जलप्रपात, ठीक है। और ये कहाँ पे है? वेनेजुएला के अंदर है। लगभग 979 मीटर ऊंचाई है इसकी। आगे बात करेंगे, ग्रेट बेरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है? ग्रेट बेरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है ये। आगे बात करेंगे, देखिए यूनाइटेड किंगडम को यूरोप की मुख्य भूमि से कौन सा चैनल अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल अलग करता है किसको? यूनाइटेड किंगडम को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करता है ये। आगे बात करेंगे, देखिए यूरेशिया के खंड कौन कौन से हैं? यूरेशिया के खंड कौन कौन से हैं? यूरेशिया के खंड कौन कौन से हैं? इसमें ये आ जाएगा यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, यूरेशिया के खंड है ये, आपको याद रखना, इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे, देखिए एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बाद विश्व में तीसरा आबादी वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। कौन सा? यूरोप महाद्वीप, जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, कौन सा पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है? कौन सा पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है? ये करता है यूरोल और कॉकेस पर्वत, जो कि यूरोप के अंदर है, जिस पर ये रॉकी पर्वतमाला है, ठीक है, यूराल। आगे बात करते हैं, देखिए एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। कौन सा? चीन। आगे बात करेंगे, देखिए एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा पामीर का पठार, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। आगे बात करेंगे, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? एशिया महाद्वीप की बात आ रही तो सर्वाधिक जो है मासिनराम मेघालय के अंदर, सर्वाधिक भारत के अंदर वर्षा होती है। आगे बात करेंगे, देखिए एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है मालदीव। कौन सा? मालदीव। आगे बात करेंगे, देखिए निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है? इसमें करता है एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। आगे बात करेंगे, देखिए यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार वाला देश कौन सा है? यूरेनियम वाला, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। आगे बात करें, देखिए किस महाद्वीप पर भारत ने अनुसंधान हेतु दक्षिणी गंगोत्री व मैत्री स्टेशन स्थापित किए हैं? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए 95 नंबर, विश्व का सबसे अधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक तांबा उत्पादक देश है चिली। कौन सा? चिली देश। आगे बात करेंगे, देखिए कनाडा के तट के निकट ग्रेट मत्स्य बैंक संसार घर में किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, ये है न्यू फाउंडलैंड के अंदर। कहाँ पे? न्यू फाउंडलैंड के अंदर है ये ग्रेट मत्स्य बैंक, कनाडा के तट पर है। आगे बात करेंगे, देखिए दक्षिण अफ्रीका में हीरे की प्रसिद्ध मंडी कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका की बात आ रही है, यहाँ पे जो है हीरे की सबसे बड़ी मंडी है किम्बरले। किम्बरले खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। अगर आपसे पूछ ले सोने की विश्व प्रसिद्ध खान कौन सी है, तो जोहान्सबर्ग। विश्व प्रसिद्ध कौन सी है? विश्व प्रसिद्ध आ जाए तो जोहान्सबर्ग, ओनली दक्षिण अफ्रीका के आ जाए तो किम्बरले। और विश्व में चांदी के सर्वाधिक भंडार कहाँ पे? पेरू के अंदर है, अगर आपसे पूछ ले चांदी के। और आपसे विश्व का सबसे अधिक तांबा उत्पादक चिली, पहले भी क्वेश्चन आ गया, इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है। भूमध्य रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो ये है जायरे या कांगो नदी, जायरे या कांगो नदी। आगे बात करेंगे, देखिए महाद्वीप किस से अलग हुए थे? महाद्वीप हुए थे विवर्तनिक क्रिया से, इससे विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए थे। आगे बात करते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा होगा? इसमें तो ये होगा अर्जेंटीना, ठीक है, किसमें पूछा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बाद भारत, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्राजील, ठीक है। तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी प्रकार हम टॉपिक वाइज आपको टॉप 100 के साथ, अगला टॉपिक हमारा महासागर होगा, तो हम अगला टॉपिक हमारा महासागर होगा, तो महासागर के टॉप 100 क्वेश्चन हम ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे, पीछे आए हुए क्वेश्चन और एनसीईआरटी बुकों में से, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यानी 100 क्वेश्चन अगर बन जाते हैं, तो आपको पता है कि लगभग क्वेश्चन सारे बन जाते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के साथ ही जो विद्यार्थी ईआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय प्लस में राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध हो रही है। प्रत्येक प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और ₹50 आपकी प्राइज है, ठीक है। और ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज आपको बताई दी है,
और इसी के साथ देखिए ऑल इंडिया एग्जाम के लिए आपको करंट अफेयर्स चाहिए इंडिया प्लस वर्ल्ड करंट अफेयर्स का, तो जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक आपको ₹50 में पीडीएफ फ्री मिलेगी इसमें, साथ में और मंथली वाइज टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। तो एक साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है, क्योंकि अभी से लग जाइए जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस के एग्जाम की तैयारी करें, सीटी के एग्जाम की तैयारी करें, तो अभी से अगर आपका करंट जीके का तैयार होगा तो आपको जब एग्जाम होगा तो पीछे वाले करंट नहीं देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको क्विक करा दिए, और जो विद्यार्थी ईआरओ का एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए स्पेशल जुलाई से 2022 से फरवरी 2022 तक हमने 8 महीनों का करंट आपको उपलब्ध करवा दिया है पिछले 2022 और 23 का, तो सभी विद्यार्थी जरूर देखें। ये महामैराथन क्लास थी, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, प्रताप क्लासेस चैनल को खोल कर देख लेना। ठीक है, तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इसी के साथ कल हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। जो विद्यार्थी पीटी के एग्जाम की अभी तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि सीधे के सीधे आरपीसी द्वारा पूछे गए हैं और सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।